हाय, वेलकम टू पायोनियर एजुकेशन एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, ट्विन नंबर्स, ट्विन प्राइम्स, और क्या देखे थे हम लोग, बिफोर देखे थे को प्राइम नंबर, ठीक है। सारे डिटेल्स में हम लोग चेक कर लिए थे। तो जो निष्कर्ष क्या आया था कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसके केवल दो फैक्टर हो, खुद वन और वो एक नंबर जो खुद रहता है, ठीक है। उसी प्रकार कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, उसकी मिनिमम तीन फैक्टर हो, या फिर कह सकते हैं कि दो फैक्टर तो होगा ही, वन एंड इट सेल्फ, क्योंकि रूल था, मैंने पहले ही बताया था, कोई भी नंबर का दो फैक्टर तो होता ही है, वन और इट सेल्फ। उसके अलावा अगर कोई फैक्टर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर, ठीक है। उससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, उसके भी पहले वीडियो में हमने देखा था डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। किसी भी नंबर को देख के हम बता सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इसको बोलते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थिनिस, ठीक है, सीव ऑफ इरेटोस्थिनिस, ठीक है। ये क्या था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ठीक ना, ग्रीक का मैथमेटिशियन था। अब जैसे तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि टोटल 1 से 50 या फिर 1 से 20 या फिर 1 से 100, 1 से 1000, उसके बीच में कितना प्राइम नंबर होगा, तो तुम क्या करने बैठोगे? तुम तो ऐसा नहीं करोगे कि सबको डिवाइड करके चेक करोगे, ठीक है। सबको तो डिवाइड करके चेक करना पॉसिबल है नहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम किसी भी एक सिंपल फॉर्मूला या फिर सिंपल टेबल मेथड या फिर एक प्रयास करोगे, इसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, उसका यूज करके हम निकाल लें। क्योंकि सारे नंबर का तो मान लो कि ऐसे पूछ दे 1 से 100, तो सबको तो डिवाइड नहीं करना बैठोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, एक सिंपल या फिर कह सकते हो एक बना बनाया हम लोग रूल्स को फॉलो करें ताकि सारा चीज हमको मिल जाए, ठीक ना। तो ये जो तुम्हारा इरेटोस्थिनिस था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ये बताया था वायर टेबल के द्वारा कि कैसे हम पता करेंगे कि किसी भी दो नंबर के बीच में क्या है, कितना प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना। तो मैंने 100 तक का बताया है, देखो 100 तक का मैंने बताया है, ठीक है। तुम चाहो तो 50 का, तुम चाहो तो 200 तक का भी निकाल सकते हो। बहुत सिंपल लॉजिक है, उसी से ये बनता है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है इसमें, कि जो मेरा प्राइम नंबर होगा उसको हम लोग सर्कल से करेंगे, ठीक है, और जो मेरा कंपोजिट नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, अलग अलग कलर यूज करेंगे, ठीक ना। जैसे पहले स्टार्ट करते हैं वन के लिए चेक करते हैं, जो वन है, वन मेरा क्या है, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, तो वन तो कुछ है ही नहीं, तो हम वन को काट देते हैं, ठीक है, वन को काट देते हैं। वन मेरा क्या है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। चलो उसके बाद चेक करते हैं टू, टू मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो टू मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको मैंने सर्किल किया, ठीक है। अब तुम देखना, उसके बाद तुमको करना क्या है, स्टेप में लिख देता हूं। स्टेप वन क्या किया हम लोग, पहला नंबर सेलेक्ट प्राइम नंबर, सबसे पहले हम क्या किए, प्राइम नंबर सेलेक्ट किए, उसके बाद उससे जितना डिवाइड हो सकता है, उससे जितना नंबर डिवाइड हो सकता है, एंड कैंसिल आउट ऑल द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर, ठीक है। हम लोग करना यही रूल है हमारा, कि सबसे पहले क्या करना है, हमको एक प्राइम नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके द्वारा जितना भी अदर नंबर डिविजिबल हो उसको बस काट देना है, ठीक है। तो जो ये काटने का जो तरीका है, जैसे मान लो एक बार जो कट गया मतलब वो कंपोजिट नंबर हो गया, सिंपल है। अब ऐसा नहीं कि दो बार भी काटोगे तो कंपोजिट नंबर है, तो हमको क्या करना है, बस प्राइम सेलेक्ट करना है। तो ज्यादा हम लोग कटम कुटम पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बस क्या करना है, प्राइम सेलेक्ट करना है, जिसमें भी एक बार कट लग गया मतलब वो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने पहले क्या सिलेक्ट किया था, टू। अब बताओ
हम बताए थे कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, इवेन हो, यूनिट डिजिट क्या हो, इवेन हो, वो हमारा क्या होता है, टू से डिविजिबल होता है। अब बताना यहाँ पे ये सारा देखो, सारा हमारा जो इस ग्रुप का नंबर है, इसको मैं काट दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये सारा नंबर टू से डिविजिबल है। ठीक है, इस ग्रुप का सारा नंबर मेरा टू से डिविजिबल है, बोलना, इस ग्रुप का सारा नंबर टू से डिविजिबल है, इस कॉलम का सारा नंबर टू से डिविजिबल है, कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले किसको एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, प्राइम नंबर, उसके बाद उसके द्वारा जितना भी डिविजिबल होगा सबको हम कैंसिल आउट कर दें। देखो इस ग्रुप, इस कॉलम का भी जितना नंबर होगा वो टू से मेरा क्या है, डिविजिबल है, कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बताओ। कुछ नहीं किए हम लोग, एक नंबर सेलेक्ट किए, उसके द्वारा उसके बाद क्या कि जितना भी उसके बाद का नंबर हो जो उससे डिविजिबल हो उसको हम काट दिए। देखो डायरेक्ट हम बता दिए। अब क्या करेंगे, अब थ्री को सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, थ्री को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको अलग अलग कलर यूज करते हैं, थ्री के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑरेंज। ठीक है, थ्री के लिए क्या यूज करते हैं, ऑरेंज। अब बताओ थ्री से कौन कौन नंबर डिविजिबल होता है, तो देखो सिक्स होता है, पर हम ऑलरेडी इसको काट चुके हैं, एक बार और काटने की जरूरत नहीं, चाहे काट भी दो। ठीक है, फिर नाइन, तो नाइन को काट दिए, फिर ट्वेल्व पहले से कटा हुआ है, फिफ्टीन, एटीन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी सेवन, थर्टी, थर्टी थ्री, फटाफट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद जितने थ्री को मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ये प्राइम नंबर, इसलिए इसमें सर्किल दिया, बाकी को मैंने काट दिया जो भी थ्री से डिविजिबल था, क्योंकि ये सब तुम्हारा क्या, इसका एक और फैक्टर थ्री मिल चुका है हमको। उसके बाद क्या करेंगे, फोर तो ऑलरेडी कर चुका है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग फिर से फाइव में आएंगे, किसमें आएंगे, फाइव में। अब फाइव का क्या था, तो रूल क्या था, वो ऐसा नंबर जिसके अंत में जीरो हो या फिर फाइव हो वो क्या हो जाएगा, फाइव से डिविजिबल। तो देखो तो ये वाला तो पहले ही कट चुका है, फाइव से भी कट रहा था, उसके अलावा इस ग्रुप में जितने नंबर आएंगे सब तुम्हारा क्या होगा, फाइव से डिविजिबल है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, पहले फाइव को एज ए प्राइम नंबर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इससे जितना भी डिविजिबल हो, तो रूल क्या बोलता था कि अगर यूनिट प्लेस में जीरो हो या फिर फाइव हो तो क्या होगा, ये डिविजिबल होता है फाइव से। तो मैंने डायरेक्ट देख लिया, सब में जीरो था उसको काट दिया, सब में फाइव था उसको काट दिया, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सिक्स से, सिक्स का रूल क्या था, अब देखो सिक्स तो तुम्हारा कंपोजिट नंबर है, क्लियर, देखो सिक्स हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर का जितना भी मल्टीपल होगा वो तो कंपोजिट नंबर ही होगा, उसके लिए कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग सेवन के लिए, क्या बात करते हैं, सेवन के लिए ये थोड़ा सा डार्क स्केच लेते हैं। ठीक है, सेवन लेते हैं, अब सेवन तो मेरा प्राइम नंबर है, अब इसका जो मल्टीप्लाई होगा सबको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो देखो सेवन फोर्टीन ऑलरेडी क्रॉस है, ट्वेंटी वन ऑलरेडी क्रॉस है, ठीक है, 28 ऑलरेडी क्रॉस है, 35 ऑलरेडी क्रॉस है, 42 ऑलरेडी क्रॉस है, 49 क्रॉस कर लिए, ठीक है, उसके बाद 56 ऑलरेडी क्रॉस है, 63 70 ऑलरेडी क्रॉस है, 77 84 क्रॉस है, 91 क्रॉस कर लिए,
ठीक है। अब हमने क्या किया, सेवन से भी जो नंबर था उसको हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। अब क्या करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, और आगे बढ़े क्या करेंगे, एट तो मेरा कंपोजिट नंबर है तो ध्यान देने की बात है नहीं, नाइन भी मेरा कंपोजिट नंबर है, टेन भी कंपोजिट नंबर है, इलेवन फिर से मेरा क्या आया, प्राइम नंबर है, इलेवन क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखो इलेवन अगर मेरा प्राइम नंबर है तो इसके मल्टीपल में जितने होंगे सबको हमको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, तो फटाफट कैंसिल आउट करते हैं, तो 11, 22, 33। अब देखो जो ऑलरेडी कैंसिल आउट है उसको जरूरी भी नहीं है, 44, 55, 66, 77, 88 और 99, ये हमारा क्या हो गया, 11 से कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 12 से तो खोना नहीं है हमको, 13 पे चेक करना है, फिर किसको चेक करना है, 13 को, तो चलो 13 को चेक करते हैं, ठीक है, तो 13 का फिर से 13, 26 कैंसिल आउट है, ठीक है, उसके बाद 39 कैंसिल आउट है, 52 कैंसिल आउट है, 65 कैंसिल आउट है, 78 कैंसिल आउट है, 91 कैंसिल आउट है, ठीक है, 13 से भी मेरा क्या है, जो भी बचा है वो कैंसिल आउट है। अब बचा मेरा क्या, 17, क्या बचा, 17, ठीक है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, क्या बचा, 17, क्या बचा, 17, ठीक है, तो 17 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 17, तो देखो अब बहुत जल्दी जल्दी होगा, 17, 34 खत्म, फिर कितना होगा, 17 जोड़ोगे तो 51 होगा ना, 51 देखो खत्म, फिर 70, 68 खत्म, फिर 17 करोगे तो कितना आएगा, 85 खत्म, फिर 70 करोगे तो ये फिर सारा तुम्हारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा क्या तुम्हारा, 19 को प्लस कर दो, अब उससे जो भी कटेगा, 57 कटा है, 76 कटा है, 95 कटा है, ठीक है, 20, 21 देखो, फिर 23 का मल्टीपल क्या होता है, 46, अब जल्दी जल्दी होगा, देखो 46 कटा है ऑलरेडी, इसका उसमें 23 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 69 ऑलरेडी कटा हुआ है, और 46 का 92 ऑलरेडी कटा हुआ है, ठीक है, फिर से देखो सारा चीज कटा हुआ, फिर ये को बचा 29, तो 29 का देखो, 29 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 58 कटा हुआ है, उसके बाद एक और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 77 कटा हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा चीज इसका कटा हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है, फिर देखो 31 मिला हमको, अब मैक्सिमम जितने भी नंबर मिलेंगे ना हमको वो प्राइम नंबर ही होंगे, 31 देखो ये प्राइम नंबर, जो भी बच जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। अब 31 से क्या कटता है, 62 तो कटा हुआ है, उसके बाद एक बार 31 से 93 आता है, वो भी कटा हुआ है, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे, एक बचा 37, ये भी मेरा प्राइम नंबर, जो भी नंबर मिलेगा वो मेरा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, तो 37 आगे बढ़ते जाओ, 37 का दुगना कितना होता है, ये होता है 60, 74, तो 74 तो कटा हुआ है, उसके 37 में आएगा नहीं, फिर आगे बढ़े जाओ, 41 आया, अब देखो फटाफट तुमको 43 आया, 41 का होता है 82 कटा हुआ है, 43 का होता है 86 कटा हुआ है, ठीक है। अब देखो फटाफट 47 आया, ठीक ना, 53 आया, जितने भी नंबर है तुम्हारे सब तुम्हारे क्या है, प्राइम नंबर है, 59 आया, 61 आया, क्योंकि इसका दुगना 100 से ऊपर है तो हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और क्या क्या बचा, 67 बचा, 71 बचा, 73 बचा, 79 बचा, 83 बचा, 86 तो कैंसिल आउट है, 89 बचा, ठीक है, और कितना बचा, 97 बचा, तो टोटल जो भी मेरा सर्किल है उतना ही मेरा क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो एक बार अगर हम लिस्ट लिखे तो देखो क्या होता है, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, 39, 31, 37, 41, 43, ठीक है, 47, और इधर आगे लिखो 53, 59, 61,
67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 यानी कि टोटल अगर काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, प्राइम नंबर्स। क्योंकि वन मेरा प्राइम नंबर है नहीं, ये बहुत देखना जिसमें क्या है कि ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम बहुत जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। तुम जैसे देखोगे कोई भी इवन नंबर अदर देन टू तो वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, सब सब कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद थ्री, तो थ्री का मल्टीपल 66 देखोगे तो जो भी इवन नंबर होगा वो भी तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो थ्री का मल्टीपल सारा काट लिए। एक बार तुम हाफ तक पहुंच जाओगे तो हाफ के बाद क्या होगा कि जितने भी बचेंगे वो तुम्हारा क्या होंगे, प्राइम नंबर ही होंगे। ठीक है, तो एक तरीका होता है किसी भी नंबर को, किसी भी दो नंबर के बीच में प्राइम नंबर फाइंड करने का। नहीं तो ये दूसरा हमारा कस क्या, जो अपना जो बेसिक है, मान लो पूछ दे कि 10 से 20 में बताओ कितने प्राइम नंबर होंगे, तो बेसिक क्या है, पहले हम लोग 10 को चेक कर लेंगे तो ये नहीं है, 11 को चेक कर लेंगे ये है, 12 को चेक कर लेंगे नहीं है, 13 को चेक कर लेंगे नहीं है, 14 को चेक कर लेंगे नहीं है, 15 को चेक कर लेंगे नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है। तो टोटल देख लो 1, 2, 3, 4 जितना भी चार आया वो तुम्हारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। इसको चेक कैसे किया, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मैं चेक कर ले रहा हूँ, इसको चेक कैसे करते हैं, हमको पता है कि सबकी फैक्टर निकाल लेंगे, जिसकी भी दो से ज्यादा फैक्टर हो गई वो तो प्राइम नंबर होगी नहीं, तो होगा क्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर। तो जो तुम्हारा सीव ऑफ इरेटोस्थिनिस था, ठीक है, ये बस यही बताता था किसी भी नंबर के बीच में अगर तुमको क्या करना हो, प्राइम नंबर निकालना हो तो तुम टेबल वाइज निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, अगर तुमको टेबल समझ में नहीं आई तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर तुम इसको ध्यान से पहले देखो एक बार। ठीक है, अगर नहीं समझ में आती है तुम कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो, मैं प्रयास करूंगा तुमको, या फिर तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ठीक है, तुमको मैं फिर से बता दूंगा, या फिर जहां पे डाउट हो रही है जिस पे तुमको, बस वो टॉपिक पूछो या फिर ये चीज कैसे होगा। मैंने कुछ नहीं किया, रूल सिंपल है कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसकी बस दो फैक्टर हो। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर कोई भी चीज किसी का मल्टीपल में आता है, मतलब मैं क्या बताया था शुरू में, अगर तुम ध्यान देते होगे तो ये मैं बता चुका था कि अगर मैं 3 का मल्टीपल लिखता हूँ 3, 6, 9, 12, तो ये जितना मल्टीपल है सबका फैक्टर क्या है, 3 तो होगा ही, यानी कि बस वही चीज को हम लोगों ने यूज किया है। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या यूज किया है, डिविजिबल रूल। मैंने बताया था कैसे किसी भी नंबर से डिविजिबल रूल से लगाते हैं, डायरेक्ट हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ चीजें देखते हैं, किसी के यूनिट प्लेस देखते हैं, किसी के टेंथ प्लेस देखते हैं, किसी की दोनों प्लेस देखते हैं, किसी का समेशन लेते हैं, 7 के लिए अलग रूल था, 11 के लिए अलग रूल था। ठीक है, तो वो चीज चेक करोगे तो तुम आसानी से ये चीज पा जाओगे। ठीक ना, तो चलो आज के लिए बस इस वीडियो में बस यही सीखते हैं, आगे वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।